दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है, फिर तीन ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से अब जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। 20 बड़ी खबरें हैं, वीडियो सबको पसंद आएगा, लाइक फटाफट कर दीजिए और अपने चैनल से भी जो लोग जुड़े नहीं है वो सब्सक्राइब करके बेल अपनी जरूर दबा लेना। आज हम एक और भी आवश्यक जानकारी आपको देंगे तो पूरा वीडियो देखना आप लोगों को, शायद आप ज्यादा कुछ अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि आज तो पहली बात रविवार है और रविवार के दिन हर किसी को छुट्टी मिलती है, लेकिन यहां आंगनबाड़ी बहनों को आज भी छुट्टी नहीं है। ये देख लीजिए मैसेज आया है, नमस्ते भैया जी, मैं यूपी के कौशाम्बी जिले से हूं, अंजू देवी बोल रही हूं। और भाई आज हमारे यहां सीडीपीओ सर ने यह मैसेज किया है, भाई जो है कल वगैरह संडे है और हम बहनों को जो है छुट्टी नहीं है, यानी आज संडे है, कल बहन ने मैसेज यह किया था। आइए इनके मैसेज को देखते हैं क्या सरकारी आदेश में ये आया हुआ है। 7 तारीख को बहनों ये लेटर कल ही निकला है, कौशाम्बी में डीपीओ महोदय ने जारी किया है समस्त जो है अधिकारी और कर्मचारी के लिए जनपद कौशाम्बी। यहां पर देखिए लिखा है, आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अनुपूरक पुष्टाहार, ड्राई फ्रूट वगैरह के नवीन व्यवस्था के सफल संचालन हेतु उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार दिनांक 9/11/2020 को आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों के मध्य वितरण होना सुनिश्चित है, यानी कल सोमवार को पोषाहार वितरण कच्चा राशन का होना सुनिश्चित है। इस संबंध में लिखा है कि 8/11/2020 यानी आज रविवार के दिन 8 तारीख को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में समय जो है 10 बजे से प्रातः समीक्षा बैठक निर्धारित है, जिसमें आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त में से जो है संबंधित समस्त अभिलेख सहित बैठक में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए रविवार का राजकीय अवकाश शासकीय हित में निरस्त किया जाता है। उक्त तिथि को अनुपस्थित पाए जाने पर संबंधित के संबंध में जिलाधिकारी महोदय को अवगत करा दिया जाएगा, अतः कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। मतलब जो राजकीय अवकाश है वो भी जो है कह रहे हैं शासकीय हित में निरस्त कर दिया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, शासकीय हित में आपने अवकाश निरस्त कराया लोगों को मदद पहुंचाने के लिए, लेकिन ये बहनें जो मेहनत कर रही हैं इनके मानदेय के लिए जब जब आवाज उठती है, इनका मानदेय समय पर नहीं मिलता, उसके लिए हमारा प्रशासन, हमारा विभाग कितना सचेत रहता है और कितना इनके लिए प्रयास करता है। 1500 प्रोत्साहन राशि जो सरकार ने बढ़ाई थी उसके बारे में सरकार अपना मुंह नहीं खोलती है, प्रमोशन प्रक्रिया ऐसे ही जो है कूड़े के ढेर में पड़ी हुई है, नई भर्तियां 13-13 साल से नहीं आई है और यहां पर राजकीय जो है जो अवकाश होते वो भी छीन लिए जाते हैं, और ये कहकर के कि शासकीय हित में ये फैसले हैं, अच्छी बात है, अच्छा लगता है, लेकिन यहां पर इनके हित में कब सरकार बात करेगी, कब हमारा विभाग बात करेगा, ये भी एक सवाल है। साथ ही बता दें ये कुछ बहनें, इनका भी देख लीजिए, ये किसी अन्य स्टेट से है और अंजनी कुमारी बहन है, उनके वहां पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ऐसे जगह जगह काफी ऐसे राज्य जहां पर आंगनबाड़ी बहनों के केंद्र बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। ये देखिए यहां पर ये भी आती हैं चीजें, ये अंडे वगैरह भी दिए जाते हैं लाभार्थियों को और भी बहुत कुछ कच्चे राशन में है, साथ ही साथ चेयर वगैरह भी आपको दिखाई दे रही होंगी, एक एक चेयर भी इसमें दिखाई दे रही है। तो फिलहाल के लिए ये सब कुछ यहां पर रखा हुआ है, लाभार्थियों को इस तरीके से बांटा जाता है जिसमें अंडे हैं और तमाम तरह की राशन सामग्री है। ये पता नहीं किस राज्य से है और यहां पर लैंग्वेज जो भी लिखी हुई है ये मेरे तो समझ से बाहर है, फिलहाल पता नहीं कौन सा स्टेट है। आगे आपको बता दें एक और मैसेज देखिए, सुधांशु भाई नमस्ते, मैं जिला समस्तीपुर से हूं, टाइम निकाल कर आपके चारों वीडियो देखती हूं, आपके वीडियो में बहुत सच्चाई देखने को मिलती है, इसलिए मैं ईश्वर से आपकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती हूं। भैया जी मेरी जो यहां पर सुपरवाइजर ने बताया है कि 10 नवंबर से कच्चा राशन समूह की महिलाओं द्वारा वितरित किया जाएगा, तो मेरे यहां कोई समूह तो मेरे यहां बनाया नहीं गया है, ना ही मुझे पता है कुछ समूह के बारे में, तो जो भैया जी ये सब कैसे होगा, इस पर कुछ आप सुझाव दें। तो बहन मैंने कल ही बता दिया था, टेंशन लेने की आप सबको जरूरत नहीं है, जो कच्चा राशन है वो सब अपना स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कहीं भी हो कहीं से भी आए वो अपना कोटेदारों से राशन खरीद के लाएंगी, और जो बाल विकास योजना कार्यालय है वहां से घी और दूध का उठाव अपना करेंगी, वो सब लेकर के आएंगी, पैकेजिंग भी करेंगी कच्चे राशन का, गेहूं चावल दाल ये सब का, उसके बाद आपको दे जाएंगी, चाहे केंद्रों पर दे जाए या आपके घर दे जाए, केंद्रों पर वैसे नियम होता है तो केंद्रों पर लेकर के आएंगी, उसके बाद आपका वितरण की जिम्मेदारी है, तो जितना आए उतना आपको पंजिका रजिस्टर प्रारूप सब मैंने दिखा दिए, उनके अनुसार आप भर लेना, देख लेना, और टेंशन वाली बात नहीं, खुद ही आएंगे, आपको दिक्कत वाली बात कुछ लेनी ही नहीं है। तो मैंने पूर्व में भी बताया है, बढ़िया तरीके से समझाया भी है किसकी क्या जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं हम एक और जरूरी जानकारी की, इस समय आप देख रहे हो मतदान काफी राज्यों में हो रहे हैं, संक्रमण काल में मतदान हो रहे हैं, तो कुछ यहां पर बदलाव आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे
बिहार में जो मतदान हुए हैं वहां पर इन चीजों का ध्यान रखा गया है। मतदान केंद्र है आपके लिए तैयार, जैसे यहां पर रैंप की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, व्हील चेयर की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था, ये चार व्यवस्थाएं बहुत जरूरी हैं। साथ ही साथ प्रवेश द्वार जो होगा वहां पर जो गेट पर ही थर्मल स्कैनर भी होगा, यानी आंगनबाड़ी बहनें इसके लिए तैनात है थर्मल स्कैनिंग के लिए। साथ ही मास्क पहनना भी जो है मतदान के समय बहुत ही अनिवार्य है, हैंड सैनिटाइजर वगैरह का उपयोग करना भी वहां पर अनिवार्य है। ईवीएम के और जो है बैलेट यूनिट इनके जो बटन है उनको दबाने से पहले आप लोगों को हैंड ग्लव्स वगैरह पहनना भी अनिवार्य है, इसके बारे में आप देख लीजिए। सामाजिक दूरी का आप लोगों को भी ख्याल रखना है संक्रमण काल में, जहां जहां चुनाव हो गए और जहां आने वाले समय में पंचायत चुनाव होने हैं वहां पर भी आप सबको ध्यान रखना होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी पंचायत चुनाव होंगे जब, तो वहां पर कोरोना संक्रमण काल में आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही इसमें बता दें चुनाव वगैरह, जैसे आपके पास जो है चुनाव के लिए जो पर्चियां आती हैं आप जानते हो, तो वो यदि आपका नहीं बना है तो इन 12 दस्तावेजों की मदद से आप वोटिंग कर सकते हो, यानी अपना चुनाव, अपना मत वगैरह चुनाव में डाल सकते हो। तो आप देखिए जैसे और क्या क्या चीजें हैं जिसके आधार पर आप चुनाव डाल, यानी मतदान कर सकते, वोट डाल सकते हैं। तो ये देखिए मतदान पहचान पत्र जरूरी है, पासपोर्ट वगैरह हो तब भी काम चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो तब भी काम चल जाएगा, सर्विस पहचान पत्र हो तब भी चल जाएगा, पासबुक भी हो आपकी किसी भी बैंक की उससे भी काम चल जाएगा, पैन कार्ड हो उससे भी आपको जो है वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा, स्मार्ट कार्ड कोई भी हो उससे भी काम चलेगा, मनरेगा जॉब कार्ड है उससे भी चलेगा, स्वास्थ्य बीमा वाला कोई है उससे भी काम चल जाएगा, पेंशन दस्तावेज वाला कोई है उससे भी काम चल जाएगा, सरकारी पहचान पत्र कोई अन्य तरह का है सांसद विधायक या विधान परिषद सदस्यों के द्वारा जो जारी किया गया उससे भी काम चल जाएगा, आधार कार्ड है तो उससे भी चल जाएगा। यानी 12 ऐसे आप लोगों को प्रारूप दस्तावेज दिखाए हैं जिनके आधार पर आप चुनाव में वोट आसानी से डाल सकते हो, तो ये आप लोगों के लिए जरूरी जानकारी है। साथ ही बता दें एक और खबर देख लीजिए, कुशीनगर जनपद है, 7 तारीख को यहां एक लेटर निकला है, मुख्य विकास अधिकारी ने अपना निकाला है और देख लीजिए किसके लिए है। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें भी शामिल है, कोटेदार भी शामिल है, सुपरवाइजर बहनें भी शामिल है, समस्त अध्यक्ष सचिव स्वयं सहायता समूह वाले भी शामिल है, ग्राम पंचायत सचिव शामिल है, समस्त बाल विकास प्रजना पदाधिकारी भी शामिल है, समस्त पूर्ति निरीक्षक भी शामिल है, समस्त सहायक विकास पदाधिकारी शामिल और समस्त खंड विकास अधिकारी शामिल है, यानी इन सबके लिए लेटर गया। इसमें लिखा है नवीन टेक होम राशन वितरण व्यवस्था हेतु ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला के आयोजन के संबंध में, यानी 8 तारीख आज है और आज ही कुशीनगर जनपद में एक संडे को यहां पर भी ब्लॉक पर मीटिंग रखी गई है। मैंने आपको कल भी बताया था, सुबह भी बताया है, काफी जगह ब्लॉकों पर कल मीटिंग शनिवार को हो गई है, काफी जगह आज संडे को मीटिंग कराई जा रही है। किस लिए? आपके यही पोषाहार वितरण को लेकर के, क्योंकि 10 तारीख से 14 तारीख के बीच में पोषाहार का वितरण करना है। कल 9 तारीख है, कल भी काफी जो है केंद्रों पर पुष्टाहार पहुंच जाएगा, आंगनबाड़ी बहनों आप लोगों के वहां पहुंचा दिया जाएगा, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं लेकर के आएंगी। जानकारी यह भी आ रही लखनऊ से, एक बहन है उन्होंने कहा था कि भाई हमारे यहां जबरदस्ती किया जा रहा है कि आंगनबाड़ी बहनों से बोला जा रहा है कि जो बच्चे हैं वो कोटेदार के वहां जाए वहां राशन मिलेगा, यानी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्रों पर पुष्टाहार लेकर के, यानी सॉरी कच्चा राशन लेकर के नहीं आएंगी, कोटेदार के वहां जाओ। ये गलत है, ऐसा कोई नियम कायदा कानून है नहीं, ना ही ऊपर से इसके आदेश है, तो जहां कहीं भी ये हो रहा है वो गलत नजरिए से हो रहा है। तो इसके लिए आप बहनों, आप लोगों के लिए सलाह ये है कि आप अपने वहां डीपीओ कार्यालय जाइए, उनको समस्या बताइए, आपका जो काम नहीं है वो आप काम क्यों करें, अपने लाभार्थियों को ढोढो करके कोटेदारों के यहां क्यों ले जाएं, वो कम दें ज्यादा दें तो वहां पर तकलीफें होंगी। तो जिसकी जिम्मेदारी अपनी अपनी निभाएं, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की जिम्मेदारी है कि राशन अपने जो दाम मिले उससे खरीद करके लाइए, जितना लाओगी उतना स्टॉक बहने चढ़ाएंगी, उतने लोगों को वितरित होगा, ये सब कुछ होना चाहिए, तो ऐसे गलत तरीके से कहीं कुछ होगा नहीं। तो फिलहाल के लिए आप लोग भी अपने जो है यहाँ पर होशो हवास में सब काम करना, जितना आपको मिले उतना ही दर्ज करना, जितने लाभार्थियों को मिले उतना दर्ज करना, फर्जीवाड़ा मत करना, अन्यथा जो दिक्कतें काफी हो जाएंगी। आगे देखिए और एक मैसेज आया है यूट्यूब से, व्हाट्सएप पे, आपकी वीडियो शेयर क्यों नहीं हो रही है जबकि पहले हो जाती थी, एमपी से जो है मुनेश शर्मा भाई है। तो भाई मुझे नहीं पता क्यों शेयर नहीं हो रही है, आप सब भाई बहन मुझे एक बार चेक करके फिर बता दीजिए। जैसा कि इन भाई ने एमपी से मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप से, इनका कहना है कि वीडियो चैनल की शेयर नहीं हो रही, पहले हो जाती थी। तो आप लोग भी व्हाट्सएप पर किसी को अपने घर में ही शेयर करके देख लीजिए, और अगर हो जाए तो मुझे वापस इसी वीडियो में कमेंट पर आकर के चैनल पर कमेंट कर देना कि भाई जो है वीडियो शेयर हो रही है या नहीं हो रही, इसके बारे में जानकारी दे देना, क्योंकि भाई की ये समस्या शायद जो है इनके में ही आ रही हो। आगे देखिए
अगला मैसेज आ रहा है, सुधांशु भैया क्या आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की भर्ती निकली है, कब तक जो है डेट है? मैं बलिया से उर्मिला देवी। बहन जब निकली ही नहीं है तो हम आपको डेट कहां से बता दे। और आप सब जब बहुत सी बहनें ये कहां से सुनकर के आ जाती है कि सुपरवाइजर की भर्ती आई है, आंगनबाड़ी की भर्ती आ गई है। भाई भर्ती आएंगे तो हम खुद बताएंगे, साफ साफ बताएंगे, डेट भी बताएंगे, कब से फार्म भरने वो भी बताएंगे, क्या क्या लगेगा वो भी बताएंगे, ये सब हम बताएंगे। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब पता नहीं ये बहने कहां से किसका वीडियो देख लेती है, उसके बाद में इनको परेशानियां होती है, फिर ये हमसे पूछती है बहने कि हम यहां से हैं और यहां भर्ती निकली है कि नहीं। तो भर्ती अभी नहीं निकली है भाई। आगे देख लीजिए, अगला मैसेज एक ये आया है, राधे राधे लिखा हुआ बहन ने, और विनीता बहन इटावा से उन्होंने ये अपना फोटो भेजा है। साथ ही अब एक ये देख लीजिए, एक लेटर आया है सोनवर्षा से है, यानी बिहार राज्य से है, बिहार राज्य के सोनवर्षा से। यहां पर जो है लेटर जो निकला था इसमें साफ साफ लिखा हुआ बीएलओ के लिए जो भी बहने नियुक्त की है ना उसके संबंध में है। 7 तारीख से संबंधित मतदान केंद्र के हेल्प डेस्क पर निर्धारित जो है सुबह 7 बजे मतदान वगैरह समाप्ति तक जो है बहने वहां पर उपस्थित रहेंगी, इसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। 6 तारीख को पूर्वाहन 10 बजे से प्रखंड कार्यालय सोनवर्षा में योगदान दें, ये सब यहां पर लिखा हुआ। तो फिलहाल योगदान के बारे में तो यहां पर लिख करके आ गया, लेकिन बहनों को काफी जगह जो बताया जा रहा कि बीएलओ का चुनाव सॉरी ड्यूटी का पैसा नहीं मिला, जबकि पैसा वीडियो देते हैं उनसे आप संपर्क करिएगा, पैसा काफी जगह मिला भी है, काफी जगह नहीं भी मिला है। जहां जहां भ्रष्टाचारी होती है वहां पैसे दबा लिए जाते हैं। आगे देखिए अगला मैसेज, सुधांशु भाई नमस्कार, मैं जिला बदायूं जगत से हूं, और यहां पर भाई जी मैं जो है आपसे पूछना चाहती हूं कि बदायूं जिले में नया पोषाहार आ गया है, मैडम बार बार मैसेज जो है भेज रही है भैया, और मैं आपकी ऑल इंडिया न्यूज डेली सुनती हूं, लाइक भी करती हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहन पोषाहार जो है कच्चा राशन वो सब जगह आज पहुंच जाएगा, आज 8 तारीख आज पहुंच जाएगा, कल जो है केंद्रों पर भी पहुंचना रिकॉर्ड के अनुसार, डेट के अनुसार, आदेश के अनुसार तो है, लेकिन अब आए या ना आए वो लापरवाहियों में गिना जाएगा। लेकिन 9 तारीख तक पुष्टाहार कच्चा राशन केंद्रों पर पहुंचना है, 10 तारीख से 14 तारीख के बीच में वितरण भी करना है, ऐसे आदेश हैं। तो आगे देख लीजिए, आगे ले चलते हैं, आपको बता दें एक और खबर देख सकते हो, कुपोषण को मात देंगी ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस। दरअसल ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस से जुड़े हुए मैंने आपको कई सरकारी आदेश बहुत पहले से कई महीनों से दिखाए हैं, लेकिन ये आदेश ही निकले हैं अभी जो है, ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस खरीदी नहीं गई है, ये है लापरवाही हमारे बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश में। यहां पर देख लीजिए, ये बुलंदशहर से एक खबर छपी थी इसी के संबंध में कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस लगेंगे, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग डिवाइस को जो है जेम पोर्टल से खरीदेगा। तो ये सब खरीदने इसका बजट और कब पता नहीं कि कितनी बार लेटर निकले हैं, मैंने दिखाए भी हैं ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस और तरह चार तरह की और भी डिवाइसें हैं, लेकिन यहां पर खरीदा भी काफी जगह नहीं गया है। तो ये लापरवाहियां चल रही, जल्द से जल्द खरीद लिया जाए, ऐसी ऑल इंडिया की तरफ से जो है आवाज उठाई जा रही है। साथ ही बता दें एक और मैसेज देख सकते हो, सुधांशु भैया जी नमस्कार, आज हम लोगों को स्वास्थ्य केंद्र बुलाया गया है और वहां हमारे नाम एक जो है पैन कार्ड का नंबर वगैरह कंप्यूटर पर फीड कर रहे हैं और पूछने पर कुछ साफ साफ नहीं बताया गया है, भैया अगर आपको इसके बारे में जानकारी हो तो बताएं। तो बहन मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, जितना जितना होता है जो जो प्रारूप जो जो आदेश में बताता जाता हूं। अब वहां पर पैन कार्ड क्यों ले रहे ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये किसी ना किसी हो सकता है, अब इस समय तो मैटर चल रहा है पोषाहार वितरण का, तो हो सकता है इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ जो है जानकारियां इकट्ठा की जा रही होंगी या अन्य तरह के मैसेज होंगे, यानी जो भी होगा टेंशन वाली बात नहीं, जब मांग है तो देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिए एक ये लेटर जारी हुआ था, ये है आपका आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से, और ये 5 नवंबर को जारी हुआ था, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा संचालित SAG जो है एवं SNP वगैरह योजना हेतु त्रैमासिक आवंटन के अनुपूर जो है उठान के संबंध में, यानी जो भी आपका 3 महीने के लिए ये जो भी राशन आएगा कच्चा राशन उत्तर प्रदेश में उसके उठान के लिए, यानी उसको लेकर के आए उसके लिए पूरा जो भी बजट टाइप का एक तरफ का रहता है 3 महीने का, तो उसके लिए बोला जा रहा है। तो इसके बारे में जानकारी इसमें साफ साफ लिखी हुई है। अब इस संबंध में कुछ और भी लिखा है, एक ये भी निकला था 5 ये शायद नवंबर को, ये भी है गलती से उन्होंने अक्टूबर डाला होगा फिर नवंबर उन्होंने किया है। तो अभी यहां पर भी देख लीजिए गेहूं वगैरह चावल वगैरह ये सब इसके बारे में लिखा हुआ है, कितना कितना मेट्रिक टन वगैरह खरीद है। तो ये सब आपके कच्चे राशन की खरीद के विषय में ये लेटर आया था, तो इसमें फिलहाल बताने वाली कोई बात नहीं है, जो भी है वो अपना आएगा वो लेकर के अपना आएंगे। बाकी तो मैंने पूर्व में वीडियो दे ही दी है कि किस तरीके से कौन लेकर के आएगा, किसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। अब ये देख लीजिए, ये आपका मात्रा वगैरह है प्रति किलोग्राम में आपको दिखाई दे रही होगी, यहां पर 1 नंबर से लगा करके ये आपके जो है जिले हैं, ये सब जिलों के नाम लिखे हुए हैं, आप ध्यान दीजिए, ये 75 जनपदों के नाम मेरे पास यहां पर दिए हुए हैं, पूरी लिस्ट मेरे पास आ चुकी है, ये आपको लास्ट में भी दिखा देते हैं, 75 जनपदों के नाम है टोटल, ये सब यहां पर लिखा भी हुआ है कितने ग्राम जो है क्या क्या आएगा, तो वो सब देख लीजिए। ऐसे सब कुछ इसके आदेश निकल गए हैं और
आगे चलते ये देख लीजिए सुधांशु भैया जो जो यहाँ पर समूह कार्य करेंगे उन्हें क्या कुछ मिलेगा कि नहीं। तो बहन मिलेगा, इसके बारे में पूर्व में आर्टिकल छपे थे, अब सरकार देती है या नहीं ये तो सरकार ही जानती है, क्योंकि आप जानते हो सरकार जब हम लोगों को ही कुछ नहीं दे रही तो उन लोगों को क्या देगी और कैसे समय पर देगी। तो जो भी होगा फिलहाल देखा जाएगा उनके लिए क्या होता है आगे चल के। तो आगे देख सकते हो ये भी एक आया है, मैं सीमा सिंह उत्तर प्रदेश जनपद जो है हरदोई ब्लॉक भरखनी से हूँ, राशन वितरण हेतु बैठक है लेकिन हम लोगों को जाना चाहिए या नहीं, नमस्ते भैया। अरे ये कैसी बात हुई आपका ये मैसेज, तो भाई आप लोग काफी लोगों को तो हंसी आएगी। अरे भाई बैठक है, मीटिंग है, बुलाया जा रहा है, जरूरी है, कल से मैं चिल्ला ही रहा हूं तो आप नहीं जाएंगे तो ये इसका क्या मैटर हुआ, इसके बारे में हमसे क्यों पूछ रही है। मीटिंग है, आप नौकरी करती हैं, आपको जाना चाहिए भाई, मीटिंग में बुलाया गया है, इसके बारे में हम कहेंगे आप मीटिंग में जाए तो आप जाएंगी क्या, तो ये तो गलत बात हो गई ना। तो इसके बारे में आप भाई ऐसे मैसेज मत किया करो, तो ये मीटिंग है आपको तो जाना चाहिए, मीटिंग के बारे में कल से बोल रहा हूं। आगे देखिए अगला मैसेज ये, भैया जी मैं बिहार गोपालगंज जिला पंचायत गोसाई मांझा प्रखंड जो है पुलवरिया से हूं और मेरे यहां ना मानदेय आया है और ना ही चुनाव ड्यूटी का पैसा मिला है, 3 माह का एमपीआर वगैरह मांगा जाता है, भैया बिहार के बारे में कुछ बोले। तो बहन बिहार में देखो अभी कहीं बिहार में मानदेय की समस्या आ रही है और मध्य प्रदेश में भी समस्या आ रही है, रीजन ये है दोनों जगह अभी चुनाव हुई है, बिहार में तो बड़ा चुनाव हुआ है जिसके चलते विभागों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, सब चुनाव में ही अपना अपना बिजी है, सरकार सत्ता बनाने गिराने में, ठीक है विभाग की तरफ कोई ध्यान नहीं है और ऐसे में आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय लटका हुआ हम जानते हैं, लेकिन जानकारी जब तक नहीं आती कोई या कोई सूचना या जब तक डाला नहीं जाता मानदेय तब तक हम आपको कुछ भी बता नहीं सकते कि यानी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो फिलहाल जो चुनाव ड्यूटी का आपका पैसा है वो तो आपके वीडियो के माध्यम से आपको मिलना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया तो उन्होंने भ्रष्टाचारी किया, इसके लिए आप चाहो तो अपने वहां आप सब बहनों को इकट्ठा करके जिलाधिकारी से शिकायत करो या फिर अपने डीपीओ कार्यालय जाकर के शिकायत करो, क्योंकि वीडियो की शिकायत करिए, वीडियो के द्वारा ही काफी जगह पैसे का भुगतान ड्यूटी का किया गया है, आपके वहां भी उन्हीं को करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया तो उनकी है या जिसकी भी होगी वो भी पता चल जाएगा। आगे देखिए आंगनबाड़ी केंद्र विद्यालय और पंचायत भवन में लगेगा टीका, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ये एक बहन ने मुझे जानकारी भेजी थी, फिलहाल इसमें मुझे कुछ भी नया नहीं लग रहा है, तो हमेशा ही होता है। आगे देखिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन बटेगा स्वयं सहायता समूह के द्वारा, तो ये बात सही है, इसके बारे में मैंने पूर्व में सब कुछ बता दिया है, इसमें भी अब हम बात नहीं करने वाले हैं। आगे देखिए अगला मैसेज है, आपने 30 दिन का शीतकालीन अवकाश राजस्थान का लेटर दिखाया था, मध्य प्रदेश में ऐसा कोई आदेश है इसकी जानकारी दो, तो बहन मैंने उसी वीडियो में भी बता दिया था फिलहाल ये राजस्थान का है, अन्य राज्यों में ऐसे लेटर नहीं आए हैं और यदि आते हैं तो दिखाया जाएगा, और आप लोग अपने अपने वहां यूनियनों से कहिए और यूनियन वाले खुद वीडियो अगर देख रहे हो तो वो भी अपने इसके लिए प्रयास करें शीतलहर के अवकाश के लिए जैसा राजस्थान में प्रावधान है, तो इसके बारे में मैंने सभी उसी वीडियो में बता दिया था, आपको समझा भी दिया था। आगे देख लीजिए अगला मैसेज एक और आया है यहां पर, इसमें भी बहन है, उन्होंने अपना एक फोटो भेजा है, आगे की ये बहन है, ये है आपकी बेगूसराय से बहन और अनुराधा कुमारी है, इन्होंने भी अपना फोटो भेजा है, साथ ही एक ये बहन है टीकाकरण वगैरह करवा रही है, इनका भी देख सकते हो, पूनम पाल बहन है, साथ ही एक ये बहन है यहाँ पर जो है जया देवी बहन है बिहार से, इन्होंने भी अपना फोटो भेजा है, साथ ही एक और ये बहन है, इन्होंने कुछ नाम भेजे, उनका कहना है कि इस लिस्ट में जितने भी लोग हैं उनकी फोटो तत्काल मांगा गया लेकिन कुछ बताया नहीं गया किस लिए मांगा गया, तो पता नहीं, टेंशन मत लीजिए, फोटो मांगी गई, विभाग वाले मांगे ग्रुप में तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही कोई आपको फोन करके पर्सनल मांग ले, ना जान ना पहचान, तुम कैसे मेहमान, तो उनको मत दीजिए, कोई भी इंफॉर्मेशन मत दो, यदि विभाग में आपकी सुपरवाइजर मांगे तो उनको दीजिए क्योंकि वो आपकी कड़ी है, आपके सिस्टम का एक हिस्सा है। आगे देखिए अगला मैसेज क्या है, ये बिहार सरकार की तरफ से आया है, 29/10/2020 को ये निकला था बिहार सरकार में, मैंने इसके बारे में जिक्र कर दिया था, फिलहाल माह नवंबर 2020 के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में बिहार में सुधा दुग्ध जो पाउडर है उसकी आपूर्ति के लिए यह लेटर एक जारी हो गया था, तो नवंबर में सुधा दुग्ध पाउडर जो है बिहार में बटेगा उसके लिए यह लेटर पूर्व में ही निकल गया है, और इसके लिए जो पैकेट वैकेट है उसके बारे में भी सब पहले ही मैंने बता दिया था, इसमें सब लिखा हुआ था, मात्रा मात्रा के बारे में भी सब दिया था। अब आगे देखिए अगला मैसेज, भैया जी आप कैसे हैं और मैं आंगनबाड़ी आगरा से हूं, मेरा नाम रेनू गोयल है, मेरा मानदेय सितंबर में भी जो है नहीं आया था, जुलाई का भी नहीं आया है, सबका आया है, मेरा मानदेय जो है ये सब जो है बोला था मैडम ने, जो है कहा कि बहुत आंगनबाड़ी का नहीं आया है, आ जाएगा, तो इंतजार भाई कर लीजिए, काफी जगह मैंने भी देखा नहीं आया है और काफी जगह जो लोगों का अगस्त का पैसा अंडर प्रोसेसिंग में लगा है लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ और काफी जगह क्लियर हो गया है, तो ये समस्याएं हैं, ये शायद आपके पीएफएमएस पोर्टल पर ही है जिसके चलते ये दिक्कतें आती रहती हैं, किसी का पहुंचता किसी का नहीं पहुंचता, किसी का अंडर प्रोसेसिंग में किसी का सक्सेस हो जाता है, ऐसी समस्याएं आती, तो ये पीएफएमएस पर हो सकता है दिक्कतें चल रही हो। आगे देख सकते हो एक ये मैसेज आया है,
यहां पर भी आंगनबाड़ी बहन हीना परवीन, उन्होंने मुझे ये अपना एक फोटो भेजा हुआ है। साथ ही एक ये फोटो देख लीजिए, यहां पर आया हिंदुस्तान पेपर में निकला है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अलग पाठ्यक्रम बनेगा, नई शिक्षा नीति के तहत ये सब कुछ होना है। राज्यपाल जो भी आई थी आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश में, उन्होंने जानकारी दे दी थी और इसके संबंध में भी मैंने पूर्व में सारी विस्तार से जानकारी आपको दे दी है। नया पाठ्यक्रम जब बनकर के तैयार होगा तो आपको हम दिखाएंगे और बताएंगे। आगे देखिए, अगला मैसेज ये आया है, लालगंज से बहन है, उन्होंने मुझे भेजा हुआ था, मिर्जापुर से ये आंगनबाड़ी बहन है, आप यहां पर भी देख पा रहे होंगे। तो आगे चलते और भी बता दें, एक और मैसेज आया था, ये यहां पर जो है जलालाबाद कन्नौज से आंगनबाड़ी बहन है गीता चतुर्वेदी, उन्होंने अपना एक वीडियो भी भेजा है, वीडियो हम आपको अगले वीडियो में लगा देंगे। साथ ही एक ये देख लीजिए, टीकाकरण हो रहा है कायसुधा ऐसे कुछ लिखा हुआ, शायद कोई बहन होंगी, उन्होंने अपना भेजा है, नाम गलत लिख दिया उन्होंने। साथ ही एक ये मैसेज आया था, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अलग पाठ्यक्रम, ये मैंने बता दिया है इसके बारे में।